गाइस वेलकम टू डायनामाइट गेमर्स एंड गाइस मैं आपका भाई साका डायनामाइट आज लेके आया हूँ वीडियो वीडियो टूडे 18 दिसंबर। बट मुझे पता है कि मैं लेट हूँ, आपको जो गालियाँ बकनी है नीचे जाके कमेंट में बक सकते हैं। उससे पहले लाइक करें शेयर करें, क्योंकि यार आपको रीज़न बता रहा हूँ क्यों। यार हम लोग सुबह 4 बजे से भी मैच करें या अभी भी करें, कितने भी बजे करें, अगर रैंक हम लोग लगा रहे हैं कम से कम नहीं तो 10 मैच के बाद ही एक बार परगेटरी मिलता है, 10 मैच बरमूडा मिलते हैं। गरीना को फेयर मैच रखना चाहिए, दूर मेंटेन करके दे तो फेयर मैच अगर रहेगा तो हम लोगों को इजी रहेगा वीडियो बनाने में, क्योंकि हम लोग जाते हैं फिर ढूंढते हैं फिर उठते में कोई मार देता है, फिर हमें अगला गेम लगाना पड़ता है जो कि 10 गेम बाद आता है, फिर हमको वहाँ ढूंढना पड़ता है। तो गाइज़ बेसिकली इसकी लोकेशन जो है वो मार्बल वर्क पे है। तो गाइज़ अभी वेपन वाले में भी नई स्किन आई है M60 की एंड नई 25 वाली कैरेट भी आई है, वो अलादीन वाली ड्रेस टाइप की जिसमें मुँह पे वो रहता है क्या बोलते हैं उसको नकाब वगैरह, तो वो ड्रेस भी आप ले सकते हो 25 में, क्योंकि अगर किसी लड़की ने ऐसा कोई कुकर्म किया कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची है तो 25 वाली कैरेट खोल के वो ड्रेस पहन सकती है। गाइस चलिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी स्पेसिफिक लोकेशन है वो है मार्बल वर्क में, ये लोकेशन जो हमको लग रही थी थोड़ा थोड़ा अलग अलग लग रहा था, रिम नाम भी कहीं ना कहीं लग रहा था मैप में देखने पर एंड ये क्रॉस रोड के पास भी लग सकता है, बट उसके पास ऐसा कोई चौकोर सा बड़ा सा नहीं है, वो चौकोर सा बड़ा सा मार्बल वर्क के पास ही है। तो ये जगह मार्बल वर्क में एंड अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मार्बल वर्क पे हम लोग जाएंगे एंड आप देखिएगा कितने लोग रहते हैं, कितनी भसड़ रहती है। एक बंदा सामने से ही आ रहा है, मैं लगा चाहता कि नल्ली गन थी और ये बंदा नूबड़ा था कि सीधे दौड़ते हुए आ रहा था। तो ऐसे काफ़ी जगह हैं, मतलब काफ़ी बंदे आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो पॉसिबल नहीं है कहीं से भी कि इतनी ईजिली वीडियो बन जाए। तो फिलहाल मैं ट्राई किया हूँ पूरा, अब क्या करूँ मैं, क्योंकि फिर मेरे को 10 मैच वेट करने पड़ते हैं, आप लोग 12 बजे तक इंतजार करोगे नहीं, आप कहीं ना कहीं ढूंढोगे ही, तो मेरे को भी जल्दी डालना पड़ेगा। तो मैं वीडियो अपना आप लोगों को दिए दे रहा हूँ, मैं वीडियो बना के दिए दे रहा हूँ, आप लोगों को जो करना है आप लोग वो कर लो, ओके। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड मार्बल वर्ल्ड पे स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पे डिक के ऑप्शन आएंगे वो भी दिखाऊंगा एंड जहाँ पे हमको जाना चाहिए वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो मार्बल वर्क पे ही मिलने वाला है। तो यार आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ यार ज्वाइन करते रहो एंड मतलब देखते रहो एंड सब्सक्राइब करते रहो एंड शेयर कर देना, क्योंकि कल के वीडियो पे एंड परसों के वीडियो पे आप लोगों की ऐसी, तो आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखो, आप लोग वीडियो पूरा देखो बस यही बोलूँगा, नहीं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं जैसे बाकी कुछ यूट्यूबर कर रहे हैं कि मैप खोल के वहाँ से डिस्कवरी से एंड बस ब्लिंक करके यहाँ पे बता दे रहे भाई यहाँ पे मिलेगा, तो मैं भी कर सकता हूँ बट मैं एरो वैरो समझ के आपको बताने की कोशिश करता हूँ, दिख करके बताने की कोशिश करता हूँ। तो वो चीज़ मेरे को चाहिए कि आप लोग वॉच टाइम भी दो, एवरेज भी, ड्यूरेशन भी दो, पूरा का पूरा वीडियो देखो बस इतना चाहता हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखो तो कल से आप लोग नहीं समझ रहे, 2-2 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में, बट आप लोग क्या करते हैं वीडियो स्किप करके आगे चले जाते हैं। तो यार प्लीज़ वीडियो पूरा देखना एंड जाके नीचे लाइक कर दो इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया और जाके, क्योंकि आपको डेली वीडियो मिलेंगे एंड मैं तो यही बोलूँगा यार जब तक लेट भी है थोड़ा सा लेट खेलो, 12 बजे से खेलो, अपनी रैंक को क्यों दिक्कत में लाना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस अकाउंट की रैंक, यहाँ आज के वीडियो के हीरो हैं दिलशा शिवम एंड इनकी काफ़ी मैंने माइनस लगवाई है, प्लेन नहीं बैठ बैठ के अवेंजन किए हैं, एग्जिट टू लॉबी किया है, -3 -3 इनकी लगती आई है। तो आप लोग देख लो जो भी आपको करना है, बाकी मैं देखता हूँ जो मैं कर पाऊँगा, बाकी बी डायनामाइट बी भैया अभी मैंने बंदे मार दिए हैं, अब देखते हैं क्या डिक का ऑप्शन कहाँ पे आएगा इस स्पेसिफिक जगह पे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक तो आपको ये भी बता दूं मेरा 4GB रैम का फ़ोन है बट अंदर बहुत डाटा है तो फ़ोन लैग बहुत करता है, तो गाइज आप लोग मतलब और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे इसमें, बट आज मैं कुछ ट्राई करूँगा कि मैं इसका पूरा डाटा अपने PC पे ट्रांसफ़र करके इसको रीसेट ही मार दूँ, बट मेरे फिर सारे कंट्रोलर वगैरह सब चले जाएंगे। तो यहाँ पर डिक का ऑप्शन आ रहा है गाइज, अब इसने एरो दिया है अंदर की ओर हमें, तो पहले मेडी उठा लेते हैं कहीं से एनिमी मार देगा, तो चलिए डिक का ऑप्शन ढूंढते हैं, बाहर की ओर नहीं है तो अंदर की ओर हमें जाना पड़ेगा, यहाँ से दोबारा देखते हैं एरो किधर है। तो गाइस जिधर स्ट्रेट कटा होता है उधर नहीं जाना होता है, जिधर हल्का सा एरो बहुत माइन्यूट सा बना होता है उधर जाना होता है, जहाँ बिल्कुल सीधी सीधी लाइन दिखे उसके अपोजिट जाना होता है एरो में, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन दिखे उसके अपोजिट। तो अब हमको ये उधर बता रहा है, तो आगे बढ़ के गाइस दोबारा देख रहा था और देखो फिर से किसी ने मार दिया। तो गाइस कितनी भी किल कर लो, कितने भी बंदे मार लो, कहीं ना कहीं आजकल ये बंदे बैठे हुए हैं जो दिक्कत के हैं,